मैं कपिल कांत शर्मा, एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 16 मार्च और 16 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं। करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 16 मार्च के, उन सभी को लेकर आए हैं। साथ साथ उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पर शुरू। ये है पहला क्वेश्चन, वह राज्य कौन सा है जहाँ नील वायरस का पहला मामला सामने आया है। नील वायरस का पहला मामला सामने आया है और राज्य है भैया केरल। केरल में, और जगह का नाम, अगर स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो तुम्हारे से ये हो जाएगा भैया मालापुरम। मालापुरम उस जगह का नाम है जहां पर केरल में नील वायरस का पहला मामला सामने आया है। अब ये जो नील वायरस है इसे शॉर्ट में कहा जाता है WNV, मतलब वेस्ट नील वायरस इसे कहा जाता है। वेस्ट नील वायरस क्या है भैया? यह एक मच्छर जनित बीमारी है। मतलब मच्छर जनित बीमारी है, मतलब मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है भैया। पहली बार इसे 1937 में युगांडा के पश्चिम नील उप क्षेत्र में पाया गया था। मतलब अगर पहली बार इस रोग की बात कर जाए कि कहाँ पर मिला था, तो ये युगांडा में 1937 में ये पहली बार मिला था। यह मनुष्यों में घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बन सकती है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी का कारण बन सकती है मनुष्य में घातक, परंतु इसका आसानी से पता भी नहीं लगता। घोड़ों को रोग से बचाने के लिए टीका उपलब्ध है, परंतु मनुष्यों के लिए अभी टीका उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये घोड़ों में भी हो सकता है, मनुष्यों में भी हो सकता है और पक्षियों में भी हो सकता है। तो घोड़ों को बचाने के लिए तो टीका उपलब्ध है, लेकिन अभी व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए कोई टीका इस बारे में उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये है स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित। तो हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके लिए, वो भी लेकर आए हैं। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? वो है भैया JP नड्डा, जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये होगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या है? वह कौन सा बैंक है जिसे RBI ने प्राइवेट बैंक घोषित किया है? ये है भैया IDBI, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI का पूरा नाम है क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहते हैं इसे है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो ये स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1964 को हुई थी। और इसका क्या कारण रहा कि इसे प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे घोषित किया है प्राइवेट बैंक? क्योंकि LIC ने इसकी 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। नहीं तो ये जो है सार्वजनिक बैंक था, गवर्नमेंट बैंक था और भारत का चौथा बड़ा बैंक था ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीन है आज का ये आपके सामने। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर तीन की अगर बात करते हैं, किस देश में एक आतंकी ने दो मस्जिदों पर हमला कर 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है? तो ये भैया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश का नाम है और जिस स्थान पर यह घटना घटी है वह है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च में ये घटना घटी है कि एक आतंकी ने जो है दो मस्जिदों पर हमला करके 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। आतंकी हमले आए दिन होते रहते हैं, जगह जगह होते रहते हैं। इसको रोकने के लिए बिल्कुल जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड का जिक्र आया है तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की मुद्रा की अगर बात करी जाए तो न्यूजीलैंड डॉलर, मतलब मेन चीज़ लगाई जाएगी डॉलर है मुद्रा यहाँ की, ठीक है जी। और प्रधानमंत्री है जेसिका अर्नर्ड जो है वो है यहाँ की प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो डेबी होकले हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो है यहाँ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का है भैया कीवी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी कीवी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं उनको भी कीवी कहा जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड के निवासियों को ये जो कीवी नाम है वो किसने दिया था? ये प्रथम विश्व युद्ध में न्यूजीलैंड के निवासियों को ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने कहा था कीवी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने ये नाम दिया था न्यूजीलैंड के निवासियों को। नेक्स्ट देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर चार की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये तो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात, लेकिन अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करी जाए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है भैया 24 दिसंबर को। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय 15 मार्च को, वहीं राष्ट्रीय मनाया जा रहा है
24 दिसंबर को। साथ साथ पाई दिवस जो गणित में होता है पाई, ठीक है, जिसका मान होता है 3.14, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस मनाया जाता है भैया 14 मार्च को। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। पाई का मान आप देख सकते हैं 3.14 है, और यहीं से याद रखा जा सकता है जो बाद के दो डिजिट हैं दशमलव से बाद के, ये तारीख है, और जो पहले डिजिट है ये महीने में बदल दो आप इसे। तीसरा महीना कौन सा होता है? मार्च। तो यहीं से लिया गया है ये, 14 मार्च को मनाया जाता है भैया पाई दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किस नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से 2018 में भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी मौतों का लगभग 12.5% है। तो ये जो रिपोर्ट का नाम है वो है GEO 6। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो रिपोर्ट रही है वायु प्रदूषण संबंधित 2018 की, उसका नाम है, जिसमें ये बताया गया है कि 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु जो वायु प्रदूषण से हुई है, उस रिपोर्ट का नाम है GEO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा भैया 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या है? कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की किस पहली महिला जगत गुरु और बसवा धर्मपीठ प्रमुख का 14 मार्च 2019 को निधन हो गया है? इनका नाम है माते महादेवी। लिंगायत समुदाय जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है कर्नाटक में पिछले दिनों में। तो लिंगायत जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? लिंगायत शब्द कन्नड़ के लिंगवत से लिया गया है। मतलब ये, अच्छा ये जो है किसकी पूजा करते हैं? इष्ट लिंग की पूजा करते हैं, और इष्ट लिंग जो है एक गेंद के आकार की आकृति होती है, इसी को ये धागे से बांधकर पहनते भी हैं, और ये अपने जो डेड बॉडी है शव है इनको दफनाते हैं, ये जलाते नहीं है, इनको क्या करते हैं? दफनाते हैं। और कर्नाटक में इनकी काफ़ी बड़ी संख्या है, और जनरल से आते हैं ये वैसे, तो कर्नाटक में इनकी काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 18% जो है इनकी जनसंख्या कर्नाटक में है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में कर्नाटक में है। और इन्हें चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिल्कुल अलग से समुदाय की इनकी मांग को मान लिया है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। LIC का नया चेयरमैन कौन बना है? कौन बना है LIC का चेयरमैन? तो ये है, चेयरमैन का नाम है RM कुमार। RM कुमार जो है LIC के नए चेयरमैन बने हैं। और LIC की अगर बात करी जाए, LIC संबंधित अन्य क्वेश्चनों की बात करी जाए, तो LIC का पूरा नाम आ सकता है। LIC का पूरा नाम है भैया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है LIC का पूरा नाम, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है जी। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है LIC का पूरा नाम है, और इसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय जो है भैया इसका वो है मुंबई में, इसका है मुख्यालय, और यह है जो है लोगों को जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। IPL 2019 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किसे टीम का सलाहकार नियुक्त किया है? किसे टीम का सलाहकार नियुक्त किया है? ये क्या है भैया? सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को टीम का सलाहकार नियुक्त किया है, ठीक है जी। तो सौरभ गांगुली को टीम का बिल्कुल सलाहकार नियुक्त किया है। साथ साथ अगर सौरभ गांगुली की बात करी जाए, तो अभी कल भी एक क्वेश्चन आया था कि जो रोहित शर्मा ने 8,000 रन बनाए हैं ये 200 मैचों में, तो सौरभ गांगुली ने भी 8,000 रन 200 ही मैचों में बनाए थे, और वो भी तीसरे स्थान पर है 200 मैचों में 8,000 रन बनाकर जो है संयुक्त रूप से रोहित शर्मा के साथ तीसरे स्थान पर है। ये कल के उसमें देख सकते हैं आप, कल की वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा अगर बात कर जाए दिल्ली कैपिटल्स की कोच की बात करी जाए, तो दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं वो बिल्कुल रिको पोंटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 IPL मामले में BCCI द्वारा किस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है? तो श्री संत पर काफ़ी दिनों से 2013 से प्रतिबंध चल रहा था, उसे हटा दिया गया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वापस जो है BCCI के पास भेजा है कि वो इसे दोबारा से देखें, एक बार रिवाइज करें, और अगले 3 महीने में दोबारा से अपने निर्णय को दोहराए कि वो जो है इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या इसको जो है दोबारा से
इसे इन्हें देखने के लिए कहा है किसे, बीसीसीआई को। तो ये मामला बीसीसीआई पर वापस गया है, अगले 3 महीने में इन पर पुनः जो है विचार किया जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना की अगर बात करी जाए तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इनके वर्तमान अध्यक्ष की बात करी जाए तो सी के खन्ना इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वहीं कोच की बात करी जाए तो पुरुष टीम के कोच रवि शास्त्री हैं, वहीं महिला टीम के कोच तुषार आरेठे हैं। तो यहाँ पर रवि शास्त्री पुरुष टीम के कोच और महिला टीम के कोच जो है तुषार आरेठे हैं। तो यहाँ पर इस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बने हैं 16 मार्च 2019 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उन सभी को हम लेकर आए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को बिल्कुल नोट करें और इनके बिल्कुल लर्न करते रहें, जिससे आगे आने वाली परीक्षाओं में ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।